गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अगेन मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज का ये फैशन हॉल वीडियो जो कि अमेज़न से है और इस ईयर का एंड होने वाला है तो वहाँ पे बहुत सारे अमेजिंग ऑफर्स आप सब लोगों के लिए वेट कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ से अभी विंटर वियर में बहुत सारा स्टफ परचेज किया है तो यही सब मैं आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। फर्स्ट आई एम गोना टॉक अबाउट दिस स्वेटशर्ट है। ये वाला पिंक कलर का स्वेटशर्ट है जो कि इसका जो साइज है वो एक्स्ट्रा स्मॉल है। अगर आप लोगों की मीडियम साइज है, अभी मेरा जो साइज है वो मीडियम साइज है और मैंने इस स्वेटशर्ट को अमेजोन से परचेज किया है। ओनली ब्रांड है इसका और इसकी जो प्राइस थी गाइज यू कांट बिलीव वो थी ओनली 850 रुपीज। 850 रुपए में अगर आपको इस तरह का स्वेटशर्ट मिल रहा है क्योंकि अभी विंटर सीजन चल रहा है तो इस तरह के नियॉन पिंक कलर टाइप के नियॉन येलो कलर नियॉन कलर्स जितने भी हैं वो सारे अभी ट्रेंड कर रहे हैं तो आप लोग भी इसको डेफिनेटली परचेज करें। ये बहुत ही अच्छा और इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा कंफर्टेबल है कि अगर आप इसको विंटर में वेयर करते हो तो आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। इवन इतना ज़्यादा मतलब सर्दी बचाने वाला नहीं है और इतना ज़्यादा कि आपको गर्मी फील हो ऐसा भी कुछ नहीं है। तो मैं इसको रिव्यू करूँगी 10 out of 9। इसके बाद में हम जिस प्रोडक्ट की यहाँ पर बात करने वाले हैं वो है एक बॉम्बर जैकेट विथ हुडी और यहाँ पे आप लोग इसको देखेंगे मैंने वॉश भी कर लिया है और इसका जो ब्रांड है वो है रेड टैप। अभी रेड टैप पे बहुत ही अमेजिंग सेल अवेलेबल है गाइस। आप यहाँ पर देखिए रेड टैप से है और मेरी जो साइज है इसमें स्मॉल है क्योंकि बॉम्बर जैकेट जितने भी होते हैं किसी किसी की साइज एडजस्ट नहीं हो पाती है बट मैंने इसका साइज चार्ट चेक करा था। आफ्टर सेल मुझे ये 1000 रुपीज़ में मैंने इसको परचेज किया है। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैं इसको यहाँ पे आपको वेयर करके दिखा देती हूँ कि ये किस तरह का लगता है। इसकी जो साइज है वो छोटी है इस तरीके से ये अपर वेस्ट तक आता है और इसमें पीछे की साइड में हुडी दी गई है तो अगर मुझे रनिंग पे जाना हो तो इस तरह का ये हुडी है और रेड टेप से मैंने इसको परचेस किया है। मैं टोटली इससे सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। अगर विंटर सीजन चल रहा है अभी तो आप लोगों के पास में इस तरह के बॉम्बर जैकेट जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे अगेन एक विंटर वियर में जैकेट है, ये भी एल्सिस का जैकेट ही है। इसका जो कलर है वो आर्मी ग्रीन कलर में और ब्लैक कलर में मिक्स है और इसके जो स्लीव्स है वो यहाँ तक है। इसका साइज मुझे मीडियम है क्योंकि अगर आपने लेगी पहन रखी हो कुछ टाइट्स आपने पहन रखी हो तो उसके ऊपर आपको इस तरह के जैकेट जरूर ट्राई करनी चाहिए। एल्सिस एक स्पोर्ट्स वियर ब्रांड है और इसके जितने भी स्पोर्ट्स वियर है वो अमेजिंग क्वालिटी के हैं तो आप लोग भी इस तरह का जैकेट देख सकते हैं। ये वाला जैकेट मैंने 1000 रुपीज में Amazon पे अभी बहुत ज़्यादा सेल चल रही है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने Amazon से एक टाइट्स परचेज किए हैं। इसकी आप क्वालिटी देखेंगे, मैं अगर आपको कुछ टाइट्स में रिकमेंड करूँगी जो कि हाई वेस्टेड हो। मुझे जब ये रिसीव हुआ मैंने इसको अराउंड इसमें 5 पॉकेट्स दिए गए हैं। एक साइड में ये आपका सेल फोन रखने के लिए है, अंदर की तरफ भी बहुत सारे पॉकेट्स हैं अगर आपके पास कुछ कॉइन्स है तो आप लोग यहाँ पे डाल। ये वाली टाइट्स मैंने अमेज़न से परचेज करी है और इसका जो ब्रांड है वो है ब्लिस क्लब और मेरी जो साइज है वो है M और 73% ये पॉलिएस्टर में है, 27% स्पेंडेक्स है और मेड इन इंडिया है तो आप लोग इसको भी परचेज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा। अगर आप लोग वर्कआउट करने जाते हैं और आपके पास में मतलब कॉइन्स है, आपके पास में सेल फोन है तो आप लोगों के लिए ये वाली लेगी एकदम परफेक्ट परचेज है। और पीछे की तरफ इसमें इस तरह का जिप दिया गया है तो आप यहाँ पे भी कॉइन्स डाल सकते हो, अपने एटीएम कार्ड डाल सकते हो अगर आपके पास में कुछ ऐसा सामान है। नेक्स्ट मैंने जो आइटम परचेज किया है वो अगेन अमेज़न से का जो ब्रांड है वो है रिबोक और किवी स्पोर्ट्स वियर काफी फेमस है। का जो लोगो है वो यहाँ पे इस तरीके से बना हुआ है। मेरी जो साइज है इसमें वो है स्मॉल साइज और अंदर की तरफ भी इसका लोगो है और आप देखिए ये वाला मेरा स्मॉल साइज है और ये भी हाई वेस्ट
लिमिटेड टाइट्स हैं, अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं तो, अगर आपकी मीडियम साइज है तो आपको स्मॉल साइज में परचेज करना है। ये भी हाई वेस्टेड टाइट्स हैं और इसका जो फैब्रिक है वो इस तरीके का है, मतलब जब आप इसको पहनते हो ये स्पेंडेक्स टाइप में है, ये स्ट्रेच होता है इस तरीके से। आप अगर इसको पहनते हो तो जो लुक आता है वो अमेजिंग लुक आता है। और इन सब के लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। इसके बाद में हम जिस प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं वो है एक शेवियर में इस तरीके के ये पैटर्न बना हुआ है। लाइक अगर आप इसको पहनते हो तो ये एकदम आपकी बॉडी से टाइट हगिंग टाइप का है, कि जो साइज है वो मेरी मीडियम साइज है और अराउंड 600 रुपीस में मैंने इसको अमेजोन से परचेस किया था। इसकी ऑल डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स होंगी मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैंने आप लोगों के साथ में इतने सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ में शेयर किए, आपको सबसे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा लगा और क्यों आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्या आप लोगों को दूसरे किसी ब्रांड का हॉल देखना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।